आज जुमेरात है और आज पहले दरगाह शरीफ की बाहर ज़ियारत करते हुए मेन गेट से आपको दरगाह शरीफ के अंदर लेके चलेंगे और दिखाएंगे मेन गेट से किस तरह ज़ायरीन खजा अंदर दाखिल हो रहा है, कैसा यहाँ का मंजर है दिखाते हुए सीधे आपको दरगाह शरीफ के अंदर लेके आएंगे। वजू खाना के सामने का भी मंजर आपको दिखाएंगे, जो वजू खाना के सामने आज क्या मंजर है। और आज पहले आपको ज़ियारत करवाएंगे आताई नूर से, आस्ताना शरीफ आज ज़ियारत करवाएंगे आताई नूर से, जिस गेट के अंदर जाके आपको चादर पेश होती है, और सीधे ले चलेंगे आताई नूर से पाइथी गेट पे, यानी आस्ताना शरीफ के दो नंबर गेट से भी ज़ियारत करवाएंगे जहाँ पर कदम उसी होती है, और सीधे ले चलेंगे आपको बाबा फरीद साहब के चिल्ला शरीफ के सामने अम्मा जान के दरगाह शरीफ भी आपको ज़ियारत करवाएंगे। तो बना रहिए, आप शुरू करते हमारे वीडियो। जी वीडियो को पूरा देखिए। अस्सलामु अलैकुम, आशिकाने फजा गरीब नमाज, आप सबको हुजूर गरीब नमाज की हाजिरी मुबारक हो। तो आइए, जुमेरात है आज और आज पहले दरगाह शरीफ का मेन गेट ज़ियारत कीजिए दरगाह बाज़ार से। जी ये है मेन गेट दरगाह शरीफ के बाहर से अंदर जाने का, और ये देखिए पूरी दरगाह बाज़ार की मंजर आप देख लीजिए माशाल्लाह। ये है पूरी दरगाह बाज़ार की मंजर, यानी दरगाह शरीफ की मेन गेट के सामने का जो बाज़ार है वो दरगाह बाज़ार। तो चलिए आपको ले चलते हैं मेन गेट के पास, मेन गेट ज़ियारत कराते हुए मेन गेट की मंजर नज़ारा कराते हुए सीधे आपको दरगाह शरीफ के अंदर ले चलेंगे। तो माशाल्लाह ये देखिए आज जुमेरात का दिन है और आज 18 अगस्त है, और आज के दिन का क्या मंजर है दरगाह शरीफ की बाहर देख लीजिए। मंजर बोले या माहौल कुछ भी बोले, आप देख लीजिए आज दरगाह शरीफ की बाहर कितने ज़ायरीन कैसे है, चहल पहल है माशाल्लाह, देख लीजिए। और ये देखिए मेन गेट किस तरह मेन गेट से ज़ायरीन को अंदर जाने के लिए सिग्नल दिया जा रहा है, देख सकते हो आप। तो ज़ियारत कीजिए, ये है मेन गेट, और इसी गेट से भी आपको अंदर लेके चल रहा हूँ, देख लीजिए कितने ज़ायरीन है, कैसे चहल पहल है। आज जुमेरात का दिन है और अभी दिन के 10 बज रहा है, यानी सुबह 10 बज रहा है अभी, और ये 10 बजे का मंजर माशाल्लाह देखिए। मेन गेट से आपको अंदर लेके आया हूँ, तो अंदर की क्या मंजर देख लीजिए। ये अंदर की शुरुआत है, यानी मेन गेट से अंदर होते ही ये आपका बुलंद दरवाज़ा है। बुलंद दरवाज़े के सामने का जो भी फूल चादर की दुकान है खुली हुई है, फूल चादर की दुकान के सामने कितने ज़ायरीन हैं देख लीजिए आप। और ये है बुलंद दरवाज़ा, ज़ियारत कीजिए हुजूर गरीब नवाज की दरबार शरीफ की अंदर आज क्या मंजर है आपकी पूरी इंशाल्लाह नज़ारा करवाएंगे। इस तरह देखिए बाहर से आने जाने का 2 नंबर गेट, और इधर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ अकबरी मस्जिद, जो बादशाह अकबर ने बनवाया था, ये है अकबरी मस्जिद देख लीजिए। चलिए आपको आगे ले चलते हैं, और ये बिल्कुल बुलंद दरवाजे के नीचे का चहल पहल, यहाँ पर कितने ज़ायरीन आ रहा है जा रहा है देख लीजिए। आज जुमेरात का दिन है और आज कितने ज़ायरीन दरगाह शरीफ के अंदर है आप खुद ही देख लीजिए। सुभान अल्लाह, ये देखिए छोटी डेग, दुनिया की सबसे बड़ी डेग जो हुजूर गरीब नवाज के दरबार शरीफ में है, 2 डेग है, तो उनमें से ये छोटी डेग आपको दिखाया हूँ। और इधर ये देखिए बड़ी डेग, जी ये बड़ी डेग देख लीजिए, तो माशाल्लाह छोटी डेग बड़ी डेग सुभान अल्लाह, गुम्बद शरीफ हुजूर गरीब नवाज की। और ये दोनों डेग के बीच की मंजर कितने मंजर कैसा है आप देख लीजिए, जो यहाँ पर कितने ज़ायरीन कैसे चहल पहल है। तो माशाल्लाह आज जुमेरात का दिन है और आज भी अच्छा खासा ज़ायरीन यहाँ पर जुड़ चुके हैं देख सकते हो। जी ये है 3 नंबर गेट, बाहर से आने जाने का 3 नंबर गेट, यानी लंगर खाना गेट देखिए यहाँ, और ज़ियारत कीजिए। ये 3 नंबर गेट से अंदर एंट्री होती है, आपको वजू खाना आ जाता है। तो देखिए वजू खाने के सामने भी आज कितने ज़ायरीन हैं, कैसे लोग वजू बना रहे हैं देख सकते हो। जब भी ज़ायरीन आते हैं तो मैक्सिमम ज़ायरीन यहाँ से वजू बनाते हैं और हुजूर गरीब नवाज के दरबार शरीफ में हाजिरी लगाते हैं, ज़ियारत करते हैं, फिर नमाज कलाम भी लोग पढ़ते हैं इंशाल्लाह। और दरगाह शरीफ की अंदर 3 मस्जिद है, तीनों मस्जिद में जमात होती है। तो माशाल्लाह वजू खाने के सामने का मंजर आप देख लीजिए। चलिए आपको आगे ले चल रहा हूँ, आगे आपको ले चल रहा हूँ ये संदली मस्जिद के सामने,
जी, तो अभी आप ये संदली मस्जिद के सामने का मंजर आप देख रहे हो, देख लीजिए यहाँ पर भी कितनी जारीन है माशाल्लाह, कितने खूबसूरत बेहतरीन मंजर हो रहे हैं आज, सुभान अल्लाह। तो ये देखिए अम्मा जन की दरबार शरीफ यानी हुजूर गरीब नवाज की बीबी साहिबा की दरगाह है, जियारत कीजिए। और ये देखिए संदली मस्जिद, जी ये संदली मस्जिद है, देख लीजिए यहाँ पर कैसे लोग इबादत कर रहे हैं, देख लीजिए आप। तो माशाल्लाह आज जुमेरात का दिन है, आप दरगाह शरीफ जियारत कीजिए और जगह जगह की मंजर भी आप देख लीजिए। मैं पूरी दरगाह शरीफ की मंजर आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, आपकी जानकारी हो जाएंगे जो दरगाह शरीफ के अंदर किसी का कोई परेशानी है कि नहीं है, आप आराम से जानकारी कर सकते हैं हमारे वीडियो द्वारा। तो माशाल्लाह अभी मैं आपको लेके आया हूँ आतायनूर में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अभी आप आतायनूर से गुम्बद शरीफ जियारत कर रहे हो, जियारत कीजिए, दुआएं मांगिए हुजूर गरीब नवाज से। माशाल्लाह बड़े बड़े हस्ती, बड़े बड़े अफसर यहाँ पर आते हैं हुजूर गरीब नवाज के दरबार शरीफ जियारत के लिए। तो माशाल्लाह यहाँ पर वही आते हैं जिसे फजा ने बुलाते हैं बेशक। तो ये देखिए पूरी आतायनूर की मंजर आज देख लीजिए माशाल्लाह, देख लीजिए आज आतायनूर में कहाँ पर कितने जायरीन है, आप खुद ही देख लीजिए। हुजूर गरीब नवाज के दरबार शरीफ में आने के लिए बहुत सारे लोग इरादा बनाते हैं लेकिन इरादे टूट जाते हैं, अजमेर में वही पहुँचता है जिसे खजा ने बुलाते हैं बेशक बेशक। हुजूर गरीब नवाज की बुलावा जिसको आते हैं वही दरगाह शरीफ में आके पहुँचता है बेशक, सुभान अल्लाह। तो अभी आप आतायनूर से आस्था शरीफ जियारत कर रहे हो जहाँ पर चादर पेश होती है माशाल्लाह, और यहाँ के मंजर भी देखिए माशाल्लाह कितना बेहतरीन खूबसूरत मंजर हो रहा है। यहाँ पर कितने जहरीन कैसे अंदर जाने के लिए कतार में खड़ा है देख लीजिए, और आप भी जियारत कीजिए, दुआएं मांगे हुजूर गरीब नवाज से। देखिए आज के लाइन माशाल्लाह कितना लंबा लाइन है और यहाँ पर कितने जहरीन है, सुभान अल्लाह। आस्था शरीफ देखिए माशाल्लाह किस तरह चादर पेश हो रही है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हुजूर गरीब नवाज के दरबार शरीफ में वही आते हैं जिसे हुजूर गरीब नवाज ने बुलाते हैं बेशक। और ये देखिए यहाँ पर कबली भी हो रहा है आतायनूर में, तो माशाल्लाह आज आतायनूर की क्या मंजर है, कितने जायरीन यहाँ पर है, कैसे माशाल्लाह मंजर बन चुके हैं आप देख लीजिए। आज जुमेरात का दिन है और कल जुम्मा है, तो कल जुम्मे के नमाज के लिए तैयारी की जा रहा है देख सकते हो आप। तो मैं अभी आपको लेके आया हूँ आतायनूर से पायती में, पायती भी सिजरा खाना के सामने लेके आया हूँ, देख लीजिए ये पायती का पूरा मंजर है, नज़ारा है, देख लीजिए कितने जरिन हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर गरीब नवासी गुम्बद शरीफ आप अभी हमारे वीडियो द्वारा देख रहे हो पायती से। तो माशाल्लाह मैं रोज़ वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं, हम कोई फेक वीडियो नहीं बनाते हैं, हम रियल यहाँ दरगाह शरीफ में चल के रोज़ मैं लाइव वीडियो बनाते हैं आप लोगों की, मैं लाइव माहौल की जानकारी देते हैं और लाइव दरगाह शरीफ मैं वीडियो द्वारा रोज़ दिखाता हूँ। हमारी वीडियो में किसी तरह आपको फेक वीडियो नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह, देख सकते हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये पायती का मंजर है और पायती में भी कबाली हो रहा है, देख लीजिए माशाल्लाह क्या मंजर है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अभी आप पायती से आस्था शरीफ जियारत कर रहे हो जहाँ पर कदम उसी होती है आस्था शरीफ में, जियारत कीजिए, दुआएँ मांगिए हुजूर गरीब नवाज की आस्था शरीफ। आज जुमेरात के दिन है जो अभी आप पायती से भी जियारत कर रहे हैं, जियारत कीजिए, दुआएं मांगिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिजड़े हुए दिल को पाल भर मिला देते हैं मेरे फ़ाजा, मायूस दिल को भी फूल खिला देते हैं मेरे फ़ाजा बेशक, बिगड़ी हुई तकदीर को बना देते हैं मेरे फ़ाजा बेशक बेशक। आप अजमेर तो आँखें देखिए, आपकी तमाम तकलीफ दूर हो जाएंगे बेशक। हुजूर गरीब नवाज के दरबार शरीफ यहाँ आने की इरादा रोज़ बांधते हैं, बांध के वो टूट जाते हैं, यहाँ अजमेर दरगाह में आने का इरादा रोज़ बांधते हैं, बांध के वो टूट जाता है, वो ही आते हैं जिसे खजा ने बुलाते हैं बेशक। तो देखिए अभी है आस्था शरीफ के 3 नंबर गेट और 3 नंबर गेट के सामने का मंजर कैसे है, कितने जायरीन है देख लीजिए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। राधे रोज़ बांधते हैं बांध के टूट जाता है, राधे रोज़ बांधते हैं बांध के वो टूट जाते हैं, अजमेर में वो आते हैं जिसे ख्वाजा ने बुलाते हैं बेशक। तो देखिए और ज़ियारत कीजिए हमारे वीडियो द्वारा, यहाँ पर तमाम लोग आते हैं अपना परेशानी की हाल मसला करने माशाल्लाह,
अपने बिगड़ी हुई तकदीर को बनाने यहाँ पर चले आते हैं बेशक। तो ये देखिए जन्नती दरवाज़ा है, ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांगिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ख्वाजा साहब की दरबार शरीफ में तमाम मज़हब के लोग यानी तमाम धर्म के लोग आते हैं, दुनिया की हर कोने कोने से आते हैं और ज़ियारत करते हैं, दुआएं मांगते हैं, सबकी मन्नत पूरी होती है सुभान अल्लाह। तो ये देखिए शाहजहानी मस्जिद के अंदर की मंजर, जो बादशाह शाहजहां ने बनाया था ये शाहजहानी मस्जिद है, सबसे बड़ी मस्जिद है दरगाह शरीफ के अंदर सुभान अल्लाह। शाहजहानी मस्जिद से गुंबद शरीफ हुजूर गरीब नवाज की ज़ियारत कीजिए और देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत है सुभान अल्लाह। तो अभी मैं आपको लेके आया हूँ आस्थाना शरीफ के 4 नंबर गेट के सामने, जिस गेट से आप आस्थाना शरीफ ज़ियारत करके बाहर आते हैं, देख लीजिए और ज़ियारत कीजिए। यहाँ पे सभी आते हैं और सब की बराबर यहाँ पर ये ज़ियारत होती है माशाल्लाह। देखिए तो ये देखिए 4 नंबर गेट के सामने का मंजर है। तो अभी मैं आपको लेके आ रहा हूँ बाबा फरीद साहब की चिल्ला शरीफ के सामने, जो बाबा फरीद साहब की मज़ार शरीफ है पाकिस्तान में पाक पठान में, जगह की नाम पाक पठान है, वहीं भी इनके मज़ार है और ये है चिल्ला शरीफ। तो देख लीजिए ज़ियारत कीजिए और यहाँ पर कितने ज़ायरीन हैं, कैसे ज़ियारत कर रहा है वो भी आप देख लीजिए माशाल्लाह आज की मंजर क्या है। और इनके साथ साथ बीबी साहबा की दरगाह भी है यानी अम्मा जान की दरगाह शरीफ, ख्वाजा गरीब नवाज की बीबी साहबा की दरगाह ज़ियारत कीजिए। तो इसी वीडियो में हम यहीं तक फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दे दीजिए हमें इजाज़त, आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद जय भारत, अस्सलामु अलैकुम।